नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों हो जाएंगे परेशान। कल यानी कि 26 दिसंबर को भारतीय नेवी में एक और नया लड़ाका शामिल हो रहा है। इसका नाम है INS इम्फाल। ये पहला ऐसा लड़ाका है या पहला ऐसा युद्धपोत है जिसके शामिल होने से पहले उस पर से ब्रह्मोस को टेस्ट कर लिया गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी एडवांस चीज़ें हैं जो अभी तक बाकी में नहीं है। चलिए बताते हैं आपको ये किस तरह से खास है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। जी हाँ, उस टाइम पे जो शहीद हुए थे उनकी याद में इसका नाम रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि ये क्या कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं इसकी खासियत। ये 7400 टन का है, डिस्प्लेसमेंट जो है 7400 टन है। लंबाई 535 फीट है। बीम इसकी 57 फीट है। डीजल इलेक्ट्रिक है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकता है। रेंज है इसकी 7400 किलोमीटर और 45 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक इस पर तैनात होंगे। इतना तो ये नॉर्मल इसकी खासियत है। अब बात करते हैं इसमें हथियार क्या क्या लगे होंगे। बचाव और हमले के लिए इसमें कई तरह के हथियार लगे होंगे। INS इम्फाल में 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे होंगे। इसके अलावा बेहतरीन रडार और कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसमें 32 बराक मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलें, 4 टारपीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और 7 अलग तरह के गन्स लगे हुए हैं। ध्रुव और सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर इस युद्धपोत पर तैनात होंगे जिनसे लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। पंडियों आपको बता दें कि इसमें ये जो टारपीडो ट्यूब्स लगे हैं इनका काम होता है कि ये पनडुब्बियों को भी ढूंढ सकता है। 21 इंच के 4 टारपीडो ट्यूब्स हैं। साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति DW स्वीट का कवच चेक सिस्टम भी लगाया गया है। बंदूकें तैनात होंगी। 32 एंटी एयर ब्राक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। ब्राक 8ER मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी सिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती हैं। अलावा एक 76mm की OTO मेराला तोप 4AK-603 CIWS गन भी इसमें लगी है। INS इम्फाल पर 2 वेस्लेटेड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। इस युद्धपोत से स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हुए हैं जो बहुत ही कारगर होंगे। बहुत ज़बरदस्त ये यहाँ पे बनने वाला है। इससे इंडियन नेवी की, भारतीय नेवी की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा और अपनी नेवी को एक सलाम आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर जो मिसाइल लगी होगी वो 90 डिग्री यानी कि ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन इस पर लगा है। ये 90 डिग्री घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। तो भारतीय सेना के लिए, भारतीय जवानों के लिए और अपने साइंटिस्टों के लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।